तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर यूपी लेखपाल का रिजल्ट कब तक आएगा, सर पूरी तरीके से रिजल्ट कब तक पूरी तरीके से जारी कर दिया जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्या सर ये पूरी वैकेंसी रद्द होगी, निरस्त होगी, पूरी तरीके से ये रद्द कर दिया जाएगा या एग्ज़ाम दोबारा लिया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज आ रहे हैं कि क्या सर एग्ज़ाम दोबारा लिया जाएगा या पूरी वैकेंसी रद्द कर दी जाएगी, ऐसे कमेंट आ रहे हैं सभी कैंडिडेट के। तो आज इस वीडियो में हम फाइनली बात करेंगे कि यूपी लेखपाल का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो किस मंथ आएगा, कब तक आपका यूपी SSSC आयोग कब तक जारी करेगा। देखिए लेखपाल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 8000 पदों के लिए पूरी आपका एग्ज़ाम लिया गया था, ठीक है, 8000 पदों के लिए, और लगभग 3 गुना कैंडिडेट, लगभग इसमें 30 गुना कैंडिडेट इसमें लगभग एग्ज़ाम में बैठे थे, सभी लोगों ने एग्ज़ाम दिया। आप सभी को मालूम है जो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आप मालूम होगा कि लगातार डेली पेपर में दिखाई दे रहा है कि आज प्रयागराज में कई पकड़े गए चीटर, ठीक है, कि कोई स्कूल में ही कोई प्रिंसिपल नकल करा रहा था, संदिग्ध पाया गया, कहीं मेरठ में तो कहीं आपका लखनऊ में, कहीं गाजियाबाद में। ये तो था कि इससे कैंडिडेट क्या था, संतुष्ट था कि हाँ यार चलो पकड़े गए हैं, अब कार्रवाई होगी, लेकिन हम लोग का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, अभी भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये तो छोटे मोटे थे, ठीक है, छोटे मोटे थे, नकल करा रहे थे। लेकिन आप सभी को मालूम होगा कि इस 8000 पद के लिए इसका 2 गुना, मान लीजिए 2 गुना से थोड़ा कम, 15000 संदिग्ध इस परीक्षा में बैठे थे। UPSTF ने इन सभी लोगों को पकड़ा था, ठीक है, मतलब पकड़ा नहीं, इनका पूरा डेटा इनको UPSTF को मिला, पूरा डेटा जो मिला कि 15000 संदिग्ध सिर्फ लेखपाल में बैठे थे, मतलब जिनका कोई नामो निशान नहीं था, जो पता नहीं पेट क्वालिफाई किए थे कि नहीं किए थे 2021 का एग्ज़ाम में बैठे थे एग्ज़ाम देने, ठीक है, क्या वो यूपी लेखपाल में अपने ही नाम पे बैठे थे कि या उनके जगह पे कोई और साल्वर बैठा था। ये टोटल 15000 संदिग्ध मिले हैं यूपी लेखपाल की इस परीक्षा में, ये पूरा डेटा UPSSC को मिला है और UPSTF को ये मिला है, इस पर कार्रवाई चल रही है, ये कोर्ट में पूरी तरीके से पूरा मुद्दा चला गया है, उस पर वहाँ पर जाँच हो रही है, CBI जाँच हो रही है, अच्छी तरीके से पूरी जांच हो रही है। तो लगभग रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट इम्पॉसिबल है, अभी तक तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जितना सीट नहीं है उससे ज़्यादा तो समझ लीजिए संदिग्ध बैठे हैं परीक्षा में, और ऊपर से 240000 समथिंग, 225000 2025 के समथिंग ये आपके कैंडिडेट बैठे हैं, और उसी में आपका 15000 सीधे सीधे सीट का 2 गुना, मत 1000 कम कर लीजिए, इतना तो संदिग्ध बैठे हैं। अगर वही सेंधमारी करके उसमें पैसा वैसा देकर अगर मान लीजिए सिलेक्शन पा लिए तो फ्रेश सिलेक्शन कहाँ होगा, किसी भी कैंडिडेट का नहीं हो पाएगा। तो UPSTF अपना काम कर रही है, ये पूरा मुद्दा कोर्ट में चला गया है, तो रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो इम्पॉसिबल है, अभी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और जहाँ तक मेरा अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है और बहुत सारे कैंडिडेट का व्यू है कि सर ये लेखपाल पूरी तरीके से ये वैकेंसी पूरी रद्द हो जाएगी, इसका एग्ज़ाम फिर से लिया जाएगा। तो देखिए मैं बता दूं, अभी तो जांच चल रही है, लेकिन जब मैं अपना भी बताऊं तो 70% मैं कह रहा हूं, 70 से 80% के मैं बीच में कह रहा हूं कि ये एग्ज़ाम आपका फिर से दोबारा होना है, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है। अगर 1-2 हज़ार संदिग्ध बैठते तो समझ में भी आता, सीधे सीधे वैकेंसी का समझ लीजिए 2 गुना इसमें संदिग्ध पाए गए हैं, ऊपर जो स्कूलों में जो नकल करते हुए पकड़े गए, सिंधमारी करते हुए जो सॉल्वर गैंग बैठे थे वो अलग, अगर उन सबको जोड़ लीजिए तो 2 गुना समझ लीजिए इसमें पूरी तरीके से 2 गुना, जितनी सीट नहीं है 8000 उसका 2 गुना इसमें समझ लीजिए संदिग्ध थे। तो अभी ये तो इम्पॉसिबल है, और जहाँ तक मेरा अपना व्यू है कि एग्ज़ाम आपका दोबारा होगा, री एग्ज़ाम होगा, आने दीजिए समय। जैसे अभी बहुत सारे कैंडिडेट नेगेटिव कमेंट करने लगे कि सर नहीं नहीं फिर ये इसका रिजल्ट आएगा, आप ही हमें बताइए किस बेस पर रिजल्ट जारी होगा, किस बेस पर UPSSC रिजल्ट जारी करेगी, क्या उन 15000 संदिग्ध को बाहर करके जारी करेगी, अगर जारी करेगी तो कब तक जारी करेगी। और जहाँ तक ये सवाल है कि अब जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे लिया, जो सेंधमारी करते हुए जो सॉल्वर गैंग थे, 15000 संदिग्ध थे, उनको किस बेस पे चुनेगी, किस बेस पे उन्हें पहचानेगी, पहचानते पहचानते समय लग जाएगा बहुत, तो अभी तो रिजल्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। जहाँ तक लोगों का व्यू था कि नवंबर दिसंबर तक आ जाएगा, नवंबर दिसंबर तक आपके रिजल्ट नहीं आने वाले। और जहाँ तक मैं बात करूँ, ये पता नहीं क्यों लगता है कि ये पूरी तरीके से वैकेंसी रद्द होगी, फिर से आपका पूरा एग्ज़ाम लिया जाएगा 8000 सीट के लिए,
और 5,000 सीट जो अभी नया आने वाला है उसका भी। अब मुझे लग रहा है कि दोनों मिला के एग्जाम फिर से लिया जाएगा, ये एकदम कंफर्म है कि फिर से एग्जाम होगा, क्योंकि 15,000 संदिग्ध बैठे हैं और काफी सिनमारी हुई है इसमें, सोलर गैंग भी पकड़े गए हैं और CBI अभी जांच कर रही है, कितना जांच में टाइम लगेगा कोई पता नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं, आप अपना व्यू दीजिए, आप अपने कमेंट दीजिए, ठीक है, अपनी बातों को आप इस चैनल पे बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका क्या राय है, क्या एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए, इस पूरी वैकेंसी प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस को रद्द करना चाहिए, क्या फिर से एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर आपके व्यू है, विचार है कि यहाँ एग्ज़ाम होना चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए, और जितने भी कैंडिडेट अगर वो चाहते हैं कि हाँ एग्ज़ाम दोबारा ना हो, इसका रिजल्ट है, वो भी कमेंट करके जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी कमेंट करते रहिए, उसका रिप्लाई जैसे ये रहेगा, डिस्कशन होता रहेगा, एक पूरा डिस्कशन होगा और मालूम चल जाएगा कि कैंडिडेट, आज का कैंडिडेट क्या सोच रहा है, क्या एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर आप अपना जवाब दें, ठीक है, और लेखपाल से रिलेटेड कोई भी अदर जानकारी आपको मिलती है तो इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी, अपडेट होती रहेगी। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए।